लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट। बच्चे लोग, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन सेंटेंस को, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस को, और उससे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस के एक सबसे पहले काइंड को, जिसको हमने बोला था स्टेटमेंट। ओके, यानी हम लोगों ने तीन सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। सेंटेंस के चार काइंड होते हैं, पहला होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है क्वेश्चन, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा जो है वो होता है एक्सक्लामेशन। क्या होता है? एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा वाक्य? विस्मयादि बोधक वाक्य। इंग्लिश में सही है, हिंदी बड़ा टफ लग रहा है। विस्मयादि बोधक क्या कह रहे हैं भैया? इंग्लिश सही है, एक्सक्लामेशन सही है। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कि अजीब तरीके से विस्मरण या किसी चीज को ध्यान से देखना या फिर बहुत ही उसके प्रति आकर्षित हो जाना। अगर हम इसको एग्जांपल के, अगर हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे तो देखिए बता रहा है, एक्सक्लामेशन आर सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वैसे वाक्य होते हैं, यानी एक्सक्लामेशन वैसे वाक्य होते हैं विच एक्सप्रेस, जो व्यक्त करता है किस बात को भैया? सडन फीलिंग, यानी अचानक कोई चीज जब हम महसूस करते हैं तो अचानक से कोई चीज महसूस होता है। दूसरा होता है सडन फीलिंग ऑफ जॉय, यानी मस्ती वाला, जैसे कि जब कुछ जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं था इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, नहीं लास्ट सेशन में कुछ ऐसा था, लास्ट वाले ओवर्स में जो तीन चार ओवर बचा हुआ था उसमें लगा कि इंडिया के हाथ से मैच चला गया। भैया क्लासर मार के करता बढ़ाया हुआ था, क्लासर में जब कैच लिया गया उसके बाद थोड़ा सा हमारे अंदर में एक ग्रेट ऑफ जॉय, यानी एकदम सडन फीलिंग ऑफ जॉय आ गया, हार्ड क्लास एन आउट, पूरा सब एकदम ताली बजाने लगा, तो वो फीलिंग होता वाओ क्लास एन आउट। फिर उसके बाद तो इस तरीके से जब कोई अचानक वाली बात होती है तो उस फीलिंग में हम लोग एक्सक्लेमेशन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड बोला है सौरव, अगर कोई दुख की बात है जैसे हम लोग एकदम नॉर्मल है और उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर है, ये फिर कोई भी जानवर को देख रहे हैं बहुत बेहतर और अचानक से वो नहीं रहे तो कहेंगे जा ये क्या हो गया, नहीं कल ही उसको देखे कि बहुत अच्छा भला था और आज क्या हो गया। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यजनक चीज है, जैसे हम लोग रहते हैं अभी इस एरिया में यानी बिहार में, तो बिहार में जिस जगह पे हम लोग पटना में रहते हैं यहाँ पे माउंटेनियस व्यू या फिर जो एक सीनरीज जो होता है ब्यूटीफुल सीनरीज जो जंगल के साथ या फिर माउंटेन व्यू के साथ या फ्लावर के साथ वो बहुत कम है। जब हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कुछ अलग दृश्य वहां पे मिलता है, ठीक है ना, बादलों में शहर मिलता है एकदम पूरा, हम लोग पूरा हिल का मतलब ही होता है ऊंचे क्षेत्रों पे, वहां पर जाके जब हम लोग देखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा नजर आता है पूरा, तो वो हमारे लिए वाओ मोमेंट हो जाता है, तो वो सरप्राइज वाली बात हो जाती है, वाओ कितना खूबसूरत है ये, एडमिरेशन। और वही इसी से रिलेटेड होगा, एडमिरेशन मतलब किसी चीज को सराहना यानी अच्छा बोलना। जब कोई अच्छी चीजें होती है तो उसे हम लोग एडमायर करते हैं, एडमायर का मतलब होता है सराहना करना यानी उस चीज की प्रशंसा करना। जैसे अभी अगर एक बहुत खूबसूरत सा आउटलैंडिश कार अगर हमारे पटना के सड़कों पे चलने लगा, अचानक से आपको देखे वाओ व्हाट अ कार, इट्स मीन एडमायर कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? एडमायर, ठीक है, यानी इस तरीके से कहने का मतलब कि ये जो चीजें बता रही हैं, जब भी कोई सडन फीलिंग वाला, अचानक फीलिंग वाला, चाहे वो जॉय हो, सौरो हो, सरप्राइज हो या एडमिरेशन हो यानी प्रशंसा करना, तो ये सेंटेंस कहलाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक्सक्लामेशन सेंटेंस। ओके, जैसे सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया व्हाट अ पीटी, पीटी का मतलब होता है दया करना, ठीक है। अगर कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो गया है या फिर वो बहुत दयनीय स्थिति में है तो हम लोग ये वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाट अ पीटी, क्या हो गया इसको, मतलब किस तरीके से इसके साथ कुछ और मतलब अच्छा व्यवहार होना चाहिए या फिर अच्छा से ट्रीट कीजिए, या फिर जब कोई दयनीय स्थिति में होता है जैसे कोई भिखारी या कोई बच्चा तो हम लोग इस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट अ पीटी। How tall the palm tree is? हम लोग हमेशा खजूर के पेड़ को देखते हैं, नहीं आपने घर में हमेशा सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग एक एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण देते थे, अगर कोई लंबा हो जाता था, खजूर नियर लंबा है, तार के पेड़ नियर लंबा है, अरे तुम छोटा रहता है, मतलब एकदम झाड़ नियर, तार के झाड़ नियर, वैसे करके। तो वही ये वाला हाउ टॉल द पाम ट्री इज, यानी पाम ट्री कितना लंबा है, जब कोई चीज देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो उसे फिर हम लोग ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, हाउ शॉर्ट भी बोल सकते हैं, हाउ टॉल भी बोल सकते हैं, ओके इस तरीके से। नाउ हाउ लकी यू आर, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, अगर कुछ अच्छा तुम्हारे साथ हो जाता है, कोई कोई आईफोन जीत जाता है, कोई कोई फोर व्हीलर जीत जाता है गेम में, मान लीजिए ड्रीम इलेवन में सब गेम बना रहा है,
2 करोड़ रुपए आप जीत जाएंगे तो ये वर्ड आ गया तो नहीं आएगा, हाउ लकी यू आर, कितना आदमी बना रहा है, करोड़ों आदमी तुम जीत गए भाई 2 करोड़ रुपया। ये हो गया, बोला अलास द डॉग इज डेड, आह जा कुत्ता मर गया, ठीक है। अलास ये सब वर्ड होता है, कुछ कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी होते हैं, जैसे वाट पीटी में वाट हो गया, हाउ हो गया, अलास हो गया, ठीक है ना, ओ हो जाता है ओ, ठीक है, या हो जाता है या, ये सब बा भी हो जाता है बै, ठीक है ना, बै बोलते हैं ना बै, ये सब वर्ड जो होता है, ये सब जितने भी होते हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। क्या वर्ड होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। भैया मैंने नोट में कहा कि एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है, अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड कोई आता है उसे सेंटेंस बनता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये बहुत ही बीवीआई है, एक्सक्लेमेशन के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया जाता है, यानी ये वाला। तो अगर आपको बोलेगा कि पहचानिए ये कौन सा है, तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ये रहेगा तो क्या पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी है। किसी भी सेंटेंस के अंदर में ये रहा तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ये रहा तो क्या बोलेंगे, ये फुल स्टॉप है। और फुल स्टॉप 2 सेंटेंस के अंत में होता है, एक होता है स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है इंपेरेटिव। क्या होता है? इंपेरेटिव। उसके बाद मैंने एक लास्ट सेक्शन में आपको बताया कि भैया पॉइंट्स टू रिमेम्बर, याद कर लीजिएगा, पहले ऑपरेटिव सेंटेंस को, इट्स मीन ऑपरेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब ऑपरेटिव को रिप्लेस करके इंपेरेटिव डाल दिया गया है या कमांड डाल दिया गया, जो हमने कमांड आपको पढ़ाया था और बोला था कि कमांड को इंपेरेटिव भी बोलते हैं, लेकिन अभी भी इस चीज इसको रखा गया है, हालांकि वहां पे भी हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पे बात बता दिया है, मनोकामना व्यक्त करने वाले, यानी विश, ठीक है ना, मनोकामना का मतलब होता है विश को एक्सप्रेस करने वाले, विश का मतलब होता है इच्छा, मनोकामना को व्यक्त करने वाले यानी एक्सप्रेस करने वाले जितने भी वाक्य होते हैं पुराने इंग्लिश ग्रामर में, इसे ऑपरेटिव सेंटेंस में रखा जाता था। किसमें रखा जाता था? ऑपरेटिव सेंटेंस में। तो इसमें मनोकामना व्यक्त करने वाली बात में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला है। हमने देखा आदेश, इट्स मीन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, ये सब जितने भी बातें थी हमने इंपेरेटिव में पढ़ा था, लेकिन अगर जब विश वाली बात हो जाएगी तो वो डायरेक्ट आप समझिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल दिया 3 और तीनों में विश की बात है। गॉड सेव द क्वीन, यानी आपकी इच्छा है कि भगवान रानी को बचाए, रानी बीमार है चाहे कोई प्रॉब्लम है तो रानी को बचाए, तो ये विश है आपकी। आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा थी कि मैं एक राजा होता। आई विश यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मेरी इच्छा है कि तुम लंबा जीवन जियो। तो जब भी विश की बातें चली आती हैं तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाँ ऑपरेटिव सेंटेंस। अब हमने ये क्लास में खत्म कर लिया। सेंटेंस होते हैं 4 टाइप के, पहला होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है क्वेश्चन, तीसरा होता है कमांड और इंपेरेटिव जिसे बोलते हैं, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। पुराने इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस को ऑपरेटिव भी बोला जाता था जो विश को व्यक्त करता, अब उसे किसमें मिला दिया गया, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इंपेरेटिव में डाल दिया गया, यानी कमांड में डाल दिया गया, याद रखिएगा। भैया यही सेंटेंस पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं और हम लोग बोलचाल में इसी सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, पहला सेंटेंस, ठीक है। व्हाट कैन आई ईट, ठीक है ना, मैं क्या खा सकता हूँ, एनीथिंग व्हाट यू वांट, जो भी तुम चाहते हो वो खा सकते हो। ये जितने भी देखिए, मैंने यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट दिया, मैंने जो बातें कही, स्टेटमेंट भी था, क्वेश्चन भी था, कमांड भी था, यू कैन ईट यानी तुम खा सकते हो, ठीक है ना, ये सारी बातें इसमें मिल जाती है। तो हम लोग जब भी बोलचाल में कोई भी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश बोलने के लिए, तो हम लोग इन सारे सेंटेंस का यूज करते हैं, कोई दिक्कत क्या? इसी से रिलेटेड कुछ मैं अभी क्लास वर्क आपको देने वाला हूँ, उसे आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, बनाइएगा, आई होप कि पूरा बन जाएगा।